अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। माय नेम इज़ सारा अहमद। द लेक्चर ऑन द कोर्स STA 408 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ गोइंग टू डिलीवर ऑन द बिहाफ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। द लेक्चर नंबर 5 इज़ स्टार्टिंग ओवर हियर। The topic of our lecture is the Latin square design. We will discuss in detail that Latin square design kya hai, ye design kis tarah different hai un designs se jo aapne previous lectures mein study kiye hain, that were CR design called completely randomized design and RCBD abbreviated as a randomized complete block design. Latin square design का layout कैसे construct किया जाता है, इसका mathematical model, analysis, इन सब चीज़ों को study करेंगे. Further, we will see that what are the advantages and disadvantages of this design. Finally, हम एक problem consider करेंगे और देखेंगे कि Latin square design कैसे apply किया जा सकता है. Now we will move towards its description. जब आपके पास variation दो directions में हो, यानी row wise भी और column wise भी, तो it is necessary to remove these two sources of variations simultaneously. It can be done by imposing a restriction on both directions. कि आपकी रो एक complete block हो, जैसे RCBD में आपने देखा होगा कि ब्लॉक में ट्रीटमेंट जस्ट एक बार अपीयर होता है, लेकिन कॉलम वाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. कॉलम में रेपिटेशन हो सकती है, लाइक दिस कि आपने RCBD का लेआउट देखा होगा, उसमें आपके पास सपोज ये एक लेआउट कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, ये आपका ब्लॉक है ए बी सी, बी ए सी, सी बी ए. तो आरसीबीडी में ब्लॉक वाइज ईच ब्लॉक कंटेन्स एवरी ट्रीटमेंट, और कोई भी ट्रीटमेंट रिपीट नहीं हो रहा ब्लॉक में, लेकिन कॉलम वाइज रेपिटेशन अलाउ होती है आरसीबीडी में. जैसे आप देखिए, सेकंड कॉलम में बी रिपीट हो रहा है और थर्ड में सी की रेपिटेशन है, लेकिन लेटिन स्क्वायर डिजाइन में जो कंप्लीट ब्लॉक होना चाहिए, रो वाइज भी उसमें हर ट्रीटमेंट हो और कॉलम वाइज भी, ना तो रो में रेपिटेशन अलाउ है ना ही कॉलम में रेपिटेशन अलाउ है. ईच ट्रीटमेंट मस्ट अपीयर वंस एंड ओनली वंस इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम, और यू कैन से ईच रो कंटेन्स एवरी ट्रीटमेंट एंड ईच कॉलम शुड ऑल्सो कंटेन्स एवरी ट्रीटमेंट. इन जनरल इफ देयर आर के ट्रीटमेंट्स, देन द एक्सपेरिमेंटल एरिया विल बी डिवाइडेड इंटू के रोज एंड के कॉलम्स इन के क्रॉस के प्लॉट्स और एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 5 ट्रीटमेंट्स और kinds of fertilizers, तो इन 5 kinds की arrangement 5 cross 5 plot पे होगी, यानी 5 rows and 5 columns. Latin square design basically square pattern में होता है. कैसे कि आपके पास प्लॉट है तो 5 ट्रीटमेंट्स रो में हैं और 5 ही कॉलम वाइज असाइन होंगे, तो लेआउट स्क्वेयर फॉर्म में बनेगा. सो when the k treatments are arranged in k cross k experimental units, जहाँ पर दोनों directions में एक complete block बने, row भी और column भी, where treatments appear once and only once in each direction, such a double blocking of experimental units and a corresponding double random assignment of treatments is called Latin square design. Layouts of Latin square design. Layouts are always constructed by rotations. For example,
फोर ट्रीटमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी. लेटिन स्क्वायर डिजाइन कैन बी लाइक दिस ए बी सी डी बी सी डी सी डी ए डी ए बी ए बी सी. इसमें ट्रीटमेंट्स की रोटेशन से डिफरेंट लेटिन स्क्वेयर्स बनाए जा सकते हैं. सपोज आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी रोटेशन में कि ये जो आपके पास रो है ए बी सी डी ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और इसको आप इस सेकंड रो को फर्स्ट में ले जाए, तो ये डिफरेंट रोटेशन से रोज की या कॉलम्स की और मे बी आप इसको फिक्स करें और इसकी रोटेशन करें, तो डिफरेंट लेटिन स्क्वेयर्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं. A large number of distinct Latin squares can be derived by interchanging rows and columns of a standard Latin square. Standard Latin square क्या होता है? वो Latin square जिसकी first row और first column में treatments को alphabetically या numerical order में arrange किया जाए, then उस standard Latin square को use करके different Latin squares construct किए जा सकते हैं. Standard Latin square is also called a reduced Latin square. For example, if we want to construct a 2 cross 2 Latin square, then इसका एक ही standard square होगा. That would be like this. A, B, B, A. स्टैंडर्ड लेटिन स्क्वायर में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आपकी अरेंजमेंट प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए. देन आप जो प्रीवियस हैं उनकी रोटेशन कर सकते हैं. अब 2x2 में आपके पास स्टैंडर्ड बनाने की एक ही ऑप्शन है ए बी बी ए. इफ यू विल शिफ्ट ए हेयर देन ये लेटिन स्क्वायर ही नहीं रहेगा बिकॉज रेपिटेशन आ जाएगी इसमें कॉलम वाइज. सो 2x2 के लिए एक ही स्टैंडर्ड लेटिन स्क्वायर है. सिमिलरली 3x3 के लिए भी एक ही स्टैंडर्ड लेटिन स्क्वायर बनेगा ए बी सी बी सी ए सी ए बी. वैसे तो 3x3 में डिफरेंट लेआउट्स बन सकते हैं बट स्टैंडर्ड एक ही बनेगा. स्टैंडर्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फाबेटिकली अरेंज है और अगर हम इसमें यहाँ पर रोटेशन कर दें तो फिर वही कि आपकी लेटिन स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ही फुलफिल नहीं होती. सो लेटिन स्क्वायर फॉर 3x3 एक ही स्टैंडर्ड स्क्वायर है. अगर आप इसको ऐसे करते हैं ए बी सी बी सी, अब आपने इसको फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को अरेंज कर दिया और अगर यहां पर मैं रोटेशन कर दूं कि सी ए है और यहाँ पर मैं बी ए कर दूँ, तो यहाँ पर अब देखें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम रिस्ट्रिक्शन ही इम्पोज नहीं हो रही, तो ये तो लेटिन स्क्वायर नहीं है. सो 3x3 का एक ही स्टैंडर्ड लेटिन स्क्वायर है. बट फॉर 4x4 लेटिन स्क्वायर देयर आर 4 पॉसिबल स्टैंडर्ड स्क्वायर्स दैट कैन बी एज ए बी C and D. Second one.
third standard square can be construct as And lastly, you can see here कि हमने यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फाबेटिकली अरेंज किया और बाकी सब की रोटेशन से 4x4 के लिए 4 स्टैंडर्ड लेटिन स्क्वेयर्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। जैसे हमने देखा कि 2x2 के लिए स्टैंडर्ड स्क्वेयर तो एक ही था, बट 2x2 के लिए लेटिन स्क्वेयर्स दो बन सकते हैं। जनरली किसी भी साइज के लेटिन स्क्वेयर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए या ये चेक करने के लिए कि कितने लेआउट्स पॉसिबल हैं, यू कैन यूज द फॉर्मूला के फैक्टोरियल इनटू के माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर 2x2 डिजाइन है तो उसके दो लेटिन स्क्वेयर्स बन सकते हैं लाइक दिस। ए बी बी ए अनदर B A A B, ये स्टैंडर्ड लेटिन स्क्वेयर है फॉर 2x2, लेकिन वैसे दो लेटिन स्क्वेयर्स बन सकते हैं। सिमिलरली 3x3 के लिए 12 पॉसिबल लेटिन स्क्वेयर्स हैं, 4x4 के लिए 576 बन सकते हैं, एंड फॉर 5x5 161280 पॉसिबल लेआउट्स एंड सो ऑन। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लेटिन स्क्वेयर डिजाइन इज YIJH रिप्रेजेंट्स IJH ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रो कॉलम एंड ट्रीटमेंट। YIJH इज इक्वल टू म्यू प्लस RI प्लस CJ प्लस टॉ H प्लस EIJ H, where IJH assumes values 1, 2, 3 up to K. K क्या है? जैसे हमने previously discuss किया था कि आपके पास अगर K treatments हैं तो आपका latin square K cross K order का होगा। Suppose you have 5 treatments तो आपका latin square design 5 cross 5 का होगा। In this model generally I shows rows, J for columns and H for treatments. Suppose you have K treatments, K is equal to 4, maybe. ये example ले रही हूँ कि 4, 5 भी हो सकते हैं, up to K हो सकते हैं। मैंने एक example के तौर पे कहा कि K is equal to 4, यानी 4 treatments हैं, तो आपकी rows और columns भी 4, 4 होंगी। आपका जो latin square होगा वो 4 cross 4 order का होगा, जिसमें आप अपनी treatments को, अपनी observations को plot करेंगे। In this model, mu denote the general mean or you can say it is the true mean effect. Ri is the effect of the ith row, CJ the effect of the jth column, tau H the effect of the hth treatment, EIJH is the experimental error that is assumed to be normally and independently distributed with mean zero and common variance sigma square. Analysis of latin square design involves hypothesis testing. Generally, hypothesis testing procedure के 6 steps हैं। Number 1, formulation of
हाइपोथेसिस, यानी इसमें आप अपना हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे। सेकंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, थर्ड पे है टेस्ट स्टेटिस्टिक, फोर्थ पे कैलकुलेशन, फिफ्थ क्रिटिकल रीजन एंड फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ये सिक्स स्टेप्स बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर के हैं। अब हम ये देखेंगे कि लेटेंट स्क्वायर डिजाइन के लिए जनरल प्रोसीजर क्या है। लेटेंट स्क्वायर डिजाइन के लिए जो जनरल प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी वो जनरली के क्रॉस के डिजाइन का होगा और उसमें आपके पास के ट्रीटमेंट्स होंगे। देन हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें के कोई स्पेसिफाइड हमारा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई भी आपका डिजाइन होगा। लेकिन सबसे पहले लेटेंट स्क्वायर डिजाइन का जनरल प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस बनाना है। अब हाँ, लेटेंट स्क्वायर डिजाइन में हम रोज, कॉलम और ट्रीटमेंट्स तीनों को साइमल्टेनियसली डील कर रहे हैं, तो हाइपोथेसिस भी हमारा तीनों के लिए स्पेसिफाइड होगा। सपोज पहले मैं शो कर रही हूँ कि हमारे जो ट्रीटमेंट मीन्स हैं वो इक्वल हैं, और ऑल्टरनेटिव में हम ये बताएंगे कि हमारे ट्रीटमेंट मीन्स इक्वल नहीं हैं। जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो इक्वालिटी हमेशा एच नॉट में होल्ड करती है। एच नॉट हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, एच वन हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डॉट डॉट वन, आई जे एच, आई फॉर रोज, जे फॉर कॉलम्स और एच फॉर ट्रीटमेंट्स है। तो मैंने ये लिखा कि फर्स्ट ट्रीटमेंट मीन इज इक्वल टू द सेकेंड ट्रीटमेंट मीन, थर्ड अप टू सो ऑन, ये आपके पास के ट्रीटमेंट्स तक होगा। और ऑल्टरनेटिवली हम कहेंगे कि नॉट ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। और अगर आप इसे मॉडल के एस्पेक्ट से देखें तो आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट इफेक्ट है जिसे हमने टॉ एच से शो किया है, नल हाइपोथेसिस में हम कहें कि वो इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एच, और ऑल्टरनेटिव में हम ये कहेंगे कि जो हमारा ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो जीरो नहीं है, वो आप नॉट डाल देंगे। सेकेंडली अब मैं यहाँ पर डॉट वन डॉट, इसका मतलब है कि ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जे एच, जे फॉर कॉलम्स और ये फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन ऑफ द फर्स्ट कॉलम इक्वल टू द सेकेंड अप टू सो ऑन, आपका के क्रॉस के डिजाइन है तो के कॉलम्स तक आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां हम कह देंगे कि नॉट ऑल कॉलम मीन्स आर इक्वल। अब ये मैं रो मीन्स को लिखूंगी, वन डॉट डॉट न्यू टू डॉट डॉट, फर्स्ट रो मीन शो कर रहा है, ये सेकेंड अप टू सो ऑन के रोज तक आप इसे शो करेंगे। और ऑल्टरनेटिव में नॉट ऑल रो मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल रो मीन्स आर इक्वल। अगर कॉलम का देखा जाए तो हमने मॉडल में इसको सी जे से शो किया है, तो आप इसको एच नॉट इस तरह लिख सकते हैं कि कॉलम इफेक्ट जो है वो जीरो है, और ऑल्टरनेटिव में हम कहेंगे कि ये जीरो नहीं है। इसी तरह हम रो इफेक्ट को शो कर सकते हैं, आर आई, और ऑल्टरनेटिवली इट इज नॉट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एल्फा,
अल्फा आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा 0.05 है या आप 0.10 ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि उसमें अगर आपको डिफाइन किया गया है तो वो, अदरवाइज हम जो जनरल चॉइसेस ले लेते हैं 0.05 0.10 वो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टेटिस्टिक। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट रोज और कॉलम्स तीनों को स्टडी कर रहे हैं तो आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक भी तीन बनेंगे, F1 ST² over SE² ST² shows mean square for treatments और SE² show कर रहा है mean square for error। treatments का हमने hypothesis बनाया तो treatment के लिए आपके पास एक test statistic आएगा। then F2 represents SR² over SE² SE² similarly इसमें भी और इसमें भी mean square for error है। SR² हमने for convenience ये small r से show कर दिया है यानी mean square for rows और C को हमने column के लिए show किया है तो SC² mean square for columns। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। रिगार्डिंग द कैलकुलेशन डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। जनरली वी हैव के ट्रीटमेंट्स और आपके पास के क्रॉस के डिजाइन बनेगा। कॉलम्स हैं सपोज 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन के और रोज आपके पास 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है आपकी y, i 1 है यहां पर, j भी 1 है और ट्रीटमेंट a, y 1, 2 ट्रीटमेंट b। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो कॉलम आपका थर्ड है, रो आपकी फर्स्ट है और ट्रीटमेंट आपका c है, i J, H, अप टू सो ऑन। जितने भी आपके डिजाइन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम डी ऑब्जर्वेशन, फोर्थ टू ए, बी, अप टू सो ऑन और इसी तरह से ये अब यहां पर हम इसका जो टोटल है, टोटल जो अब यहां पर आप देखें कॉलम यहां पे जो आप करेंगे ये कॉलम टोटल शो होगा। इसको हम सी जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पास जो फर्स्ट कॉलम का टोटल आएगा उसे हम C.1. C.2. सेकंड के लिए अप टू सो ऑन के लिए और यहाँ पे हम जो टोटल करेंगे ये बेसिकली रो टोटल होगी। कॉलम आपका टोटल होगा यहाँ पर और रो आपकी टोटल होगी यहाँ पर। इसको आर आई से शो कर दें और ये आपके पास आर वन डॉट डॉट आर टू डॉट डॉट आर थ्री डॉट डॉट और ये आपका ग्रैंड टोटल है यहां पर जी या आप इसको टी डॉट डॉट शो कर सकते हैं। ठीक है, आई जे एच तीनों के लिए आपने यहां पर डॉट प्लॉट किया और जो हम यहां पर मीन्स हैं कॉलम मीन्स उसके लिए y बार फर्स्ट कॉलम मीन है तो ये 1 फॉर सेकंड जो आपका j प्लेस है वहां पर आप 1, 2, 3 शो कर रहेंगे डॉट 3 डॉट थर्ड कॉलम मीन अप टू सो ऑन। इसी तरह यहां पर हम रो मीन्स
रिप्रेजेंट करेंगे वाई बार वन डॉट डॉट, वाई बार टू डॉट डॉट, वाई बार थ्री डॉट डॉट अप टू सो ऑन। और जो आपका यहाँ पर रो मीन्स और कॉलम मीन्स, तो यहाँ आपका जो एस्टिमेट है म्यू का वाई बार डॉट डॉट डॉट, ये आपका म्यू का एस्टिमेट है और ये बेसिकली आपके कॉलम और रो एस्टिमेट्स हैं। ट्रीटमेंट मीन्स कैलकुलेट करने के लिए ट्रीटमेंट को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे लाइक दिस। यहाँ पर ए बी सी अप टू सो ऑन आपके जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं और यहाँ आप अपनी ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशंस प्लॉट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ आप टोटल लेंगे इन ट्रीटमेंट्स का, इसको आप टी एच, एच फॉर ट्रीटमेंट्स है इसलिए इसको हमने टी एच से शो कर दिया। और इधर आप अपना टोटल करेंगे फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू सो ऑन, जितने भी आपके आ जाएंगे यहाँ आपने उनको टोटल कर देना है। और जो इसके मीन्स हैं उसको हम, ये टी एच एच है यानी आप, मैं एक शो कर देती हूँ टी डॉट डॉट वन कह लें क्योंकि हमने इसको आई जे एच को वन टू थ्री अप टू के शो किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डॉट डॉट टू, आप इसको टी डॉट डॉट ए बी सी भी कर सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडल, जब हमने उसके लिए डिफाइन ही इस तरह से किया है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग ही शो करें। और मीन्स के लिए हम इसको कर सकते हैं वाई डॉट डॉट ए, वाई बार डॉट डॉट ए, वाई बार डॉट डॉट बी अप टू सो ऑन आपके जितने ट्रीटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। टू कैलकुलेट द मीन स्क्वेयर्स वी फर्स्ट रिक्वायर द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल सच एज रोज, कॉलम्स एंड एरर। टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स कैन बी पार्टीशनड एज, टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स इज इक्वल टू रो सम ऑफ स्क्वेयर्स प्लस कॉलम सम ऑफ स्क्वेयर्स प्लस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स प्लस एरर सम ऑफ स्क्वेयर्स। इन चारों को ऐड करें तो ये आपका टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स की के स्क्वेयर माइनस वन है बिकॉज आपका जो डिज़ाइन है वो के क्रॉस के है, तो एन बेसिकली हम शो करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी के क्रॉस के डिज़ाइन है दैट इज के स्क्वेयर। सो आपकी जो टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो के स्क्वेयर माइनस वन होगी और रो जो है आपकी वो के रोज हैं हमारे पास तो के माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, के कॉलम्स हैं तो के माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सिमिलरली ट्रीटमेंट्स भी के हैं इसकी भी के माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर हम टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से माइनस कर दें ये तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो हमारे पास एरर की आ जाएगी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 3k-1, k स्क्वायर माइनस वन माइनस 3k, माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2। फर्दर इसको अगर इस तरह से सेपरेट कर दें 2k माइनस k, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट माइनस 2k माइनस k, ये दोनों 3k ही बनेंगे आपके पास और 2 जो है उसको एज इट इज ले लिया जाए। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास k कॉमन आ जाएगा और k माइनस 2 माइनस 1 k माइनस 2 k माइनस 1 k माइनस 2। ये बेसिकली हमने टोटल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से रो कॉलम और ट्रीटमेंट के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस की तो ये आपके पास एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई के माइनस वन के माइनस टू। टोटल एस एस को हम शो करेंगे टी एस एस से, रो एस एस को आर एस एस, कॉलम के लिए सी एस एस,
ट्रीटमेंट एसेस को हम लेंगे ट्रीट एसेस और एरर एसेस को ई एसेस। अगर आपको ये तीन सम ऑफ स्क्वेयर्स पता हो और ये भी पता हो तो आप टी एस एस में से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वेयर्स आ सकता है लाइक दिस टी एस एस माइनस आर एस एस माइनस सी एस एस माइनस ट्रीटमेंट एस एस, ये आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वेयर्स आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वेयर्स किस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, सबसे पहले हम एक करेक्शन फैक्टर शो कर देंगे कि आपके पास जो ग्रैंड टोटल आ रहा था टी डॉट डॉट उसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, और एन आपके पास बेसिकली के क्रॉस के है यानी के स्क्वेयर, और टी डॉट डॉट को आप ग्रैंड टोटल जी से भी शो कर सकते हैं, जी स्क्वेयर ओवर के स्क्वेयर आपके पास करेक्शन फैक्टर है एक। अब हमें टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए समेशन आई समेशन जे वाई आई जे एच यानी ईच ऑब्जर्वेशन का स्क्वेयर माइनस करेक्शन फैक्टर यानी ये वाली टर्म आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। रो सम ऑफ स्क्वेयर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज समेशन आर आई स्क्वेयर ओवर के क्योंकि के रोज है हमारे पास माइनस करेक्शन फैक्टर सेम एज सी एस एस समेशन जे सी जे स्क्वेयर और हमारे पास कॉलम्स भी के हैं माइनस करेक्शन फैक्टर। ट्रीटमेंट एस एस के लिए जो हमने नेक्स्ट अपना टेबल बनाया था उसमें से आप ट्रीटमेंट्स की जो टोटल स्क्वेयर्स करके उनको टोटल करेंगे और हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी के हैं माइनस करेक्शन फैक्टर। इन सब सम ऑफ स्क्वेयर्स को विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसमें पुट करेंगे, देन हम अपने मीन स्क्वेयर्स कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम एफ टेस्ट रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। अनोवा टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर के क्रॉस के लेटिन स्क्वेयर, सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट्स बिटवीन बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म मैं इस तरह से लिख रही हूँ रोज बिटवीन कॉलम्स विद इन एरर्स। सोर्स ऑफ वेरिएशन आपके कौन कौन सी हो सकती है, बिटवीन ट्रीटमेंट्स हो सकती है, बिटवीन रोज बिटवीन कॉलम्स विद इन एरर्स एंड फाइनली यहां पे आपका टोटल आ जाएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट्स के लिए के ट्रीटमेंट्स हैं के माइनस वन और इसको मैं शो कर रही हूं न्यू वन से। रोज भी आपके पास के ही हैं न्यू टू के माइनस वन न्यू थ्री सॉरी थ्री के माइनस वन न्यू फोर के माइनस वन इनटू के माइनस टू और टोटल है आपके पास के स्क्वेयर माइनस वन। सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन ट्रीटमेंट्स इसको हम शो करेंगे ट्रीट एस एस। सम ऑफ स्क्वेयर्स आप यहाँ पे वही लिखेंगे जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं कि ट्रीटमेंट एस एस जो है आपका वो समेशन एच टी एच स्क्वेयर ओवर के माइनस करेक्शन फैक्टर आर एस एस इज इक्वल टू समेशन आई आर आई स्क्वेयर ओवर के माइनस करेक्शन फैक्टर
column sum of squares is equal to summation j c j square over k minus correction factor. एरर जो है वो इन सब को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी टी एस एस आपका है समेशन आई जे वाई आई जे एच स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर. अब हम टी एस एस में से माइनस करते हैं ट्रीटमेंट एस एस माइनस कॉलम एस एस माइनस रो एस एस, तो ये आ जाएगा ई एस एस. ट्रीटमेंट के लिए एस टी स्क्वेयर, और वो कैसे आएगा कि जो आपका ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर है उसको आप डिवाइड कर दें उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से. रो के लिए कैसे आएगा, इट इज बेसिकली आर. न्यू टू है आपकी रोज की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो आप आर एस एस को डिवाइड करेंगे न्यू टू से, तो ये एस आर स्क्वेयर यानी मीन स्क्वेयर फॉर रोज आ जाएगा. कॉलम के लिए कॉलम एस एस को न्यू थ्री से डिवाइड कर दें, और एस ई स्क्वेयर के लिए एरर सम ऑफ स्क्वेयर को उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी न्यू फोर से डिवाइड कर दें, तो मीन स्क्वेयर एरर आ जाएगा. अब हमें कैलकुलेट करना है अपना फर्स्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक एफ वन. उसके लिए आप करेंगे एस टी स्क्वेयर मीन स्क्वेयर फॉर ट्रीटमेंट्स डिवाइडेड बाय मीन स्क्वेयर फॉर एरर. एफ टू रो, रो का मीन स्क्वेयर और एरर. सिमिलरली एफ थ्री आएगा आपका एस सी स्क्वेयर और एस ई स्क्वेयर. फिफ्थ स्टेप है आपका क्रिटिकल रीजन. आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा इन कंडीशंस में कि जो आपका फर्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक उसकी वैल्यू एक्सीड कर जाए या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए आपकी जो टेबुलेटेड वैल्यू है एफ अल्फा न्यू वन न्यू फोर. न्यू वन हमने शो किया था ट्रीटमेंट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, और न्यू फोर आपकी एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. इसी तरह अगर आपकी जो सेकेंड टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल हो जाए इस टेबुलेटेड वैल्यू से, तब भी आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा. फिर आपकी जो एफ थ्री है वो शो कर रही थी हमारे पास थर्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक को, ये वाली वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर इक्वल हो जाती है इस टेबुलेटेड वैल्यू से तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. हमने तीनों के नल हाइपोथेसिस शो किए थे एच नॉट प्राइम और एच नॉट डबल प्राइम से, और तीनों के लिए हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया और उसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड की. अकॉर्डिंग दैट जब आप उसे कंपेयर करेंगे अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को अपनी जो टेबुलेटेड वैल्यू से, तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और उसको आप लास्ट स्टेप में लिख देंगे. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एन एग्जांपल ऑफ लेटिन स्क्वायर डिजाइन. द एटमोस्फियर इन फोर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ लार्ज टाउन वॉज सैम्पल्ड. The samples being taken at four different heights, four different tests for the presence of a certain chemical were made on the samples. The arrangement is shown in the following table with the percentage by weight of the chemical as determined by tests. Letter denote the different tests. This is a table in which you have four districts and four heights, and then we have four tests A, B, C and D. Tests aapke treatments hain, aur jo aapka column hai usme districts hain aur row mein aapki heights hain. So you have 4 x 4 order Leighton square design.
अब हमें इसमें क्या असेस करना है, इज देयर एनी एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एंड बिटवीन हाइट्स इन द परसेंटेज ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। यानी आपको डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी वेरिएशन चेक करनी है, कॉलम वाइज भी, और बिटवीन हाइट्स भी असेस करनी है। इसके अलावा जो आपके पास 4 टेस्ट्स हैं वो फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन केमिकल हैं और आपको उनको भी चेक करना है। लेटिन स्क्वेयर डिज़ाइन है आपके पास और आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए बी सी डी एक ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉक है, उसमें एवरी ट्रीटमेंट है। ना तो रो वाइज कोई रेपिटेशन हो रही है किसी ट्रीटमेंट की और ना ही कॉलम वाइज हो रही है। हाउ इट कैन बी एनालाइज, हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसका हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, जैसे हमने जनरल प्रोसीजर ऑफ लेटिन स्क्वेयर डिज़ाइन में देखा था कि एक हाइपोथेसिस हम रो के लिए डिफाइन करते हैं, एक कॉलम के लिए, और एक जो है वो ट्रीटमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। एच नॉट, अब आपके पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं यानी डिफरेंट टेस्ट्स जो हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डॉट डॉट 1, मीन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट इक्वल टू द सेकंड इक्वल टू द थर्ड एंड फोर्थ। नॉट ऑल ट्रीटमेंट means are equal, mu 1 dot dot, ये अब heights को शो कर रहे हैं, 2 dot dot, 3 dot dot, 4 dot dot। आपने देखा था जो हमने जनरल प्रोसीजर डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था आई जे और एच, आई फॉर रोज, जे फॉर कॉलम्स और एच फॉर ट्रीटमेंट्स। ये मैंने ट्रीटमेंट्स के लिए हाइपोथेसिस डिफाइन किया है, इसलिए रो और कॉलम पे डॉट है और ट्रीटमेंट्स पे मैंने वेरिएशन दी है 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह ये हाइपोथेसिस जो है मैं रोज के लिए, हाइट्स के लिए डिफाइन कर रही हूँ, इसलिए आई उस पे 1, 2, 3, 4 और कॉलम और ट्रीटमेंट पे डॉट है। नॉट ऑल रो मीन्स आर इक्वल। एंड नाउ फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, not all column means are equal। सेकेंड स्टेप है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 0.05 ले रहे हैं इस प्रॉब्लम में। थर्ड टेस्ट स्टेटिस्टिक, आपने इसमें रोज को भी चेक करना है, कॉलम्स को भी और ट्रीटमेंट्स को भी। सो यू हैव 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक। F1 रिप्रेजेंट्स फॉर ट्रीटमेंट्स, दिस इज द मीन स्क्वेयर फॉर टेस्ट्स एक्चुअली, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो टेस्ट्स हैं। F2 रिप्रेजेंट्स फॉर रोज, रोज आपकी हाइट्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज फॉर टेस्ट्स, दिस इज फॉर हाइट्स। एंड F3 जो कि आपको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मीन स्क्वेयर फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। फोर्थ स्टेप है आपका कैलकुलेशन का, जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको सम ऑफ स्क्वेयर्स कैलकुलेट करने के लिए यहां पर कॉलम्स और रोज के सम्स रिक्वायर हैं। कॉलम यहाँ पर सम होगा तो इसके लिए इसको मैंने सी जे, आप इन सब को ऐड करेंगे 8+6.8+6.3+5.7, यू गॉट
26.8। अब सेकेंड कॉलम को ऐड करेंगे तो आएगा 18.2। थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे यानी 4.1 प्लस 4.1 प्लस 4 प्लस 4 एंड यू हैव 16.2। इसी तरह आप फोर्थ कॉलम को ऐड करेंगे 17.4। अब हम यहाँ पर रो का टोटल करेंगे आर आई 8 प्लस 5.3 प्लस 4.1 प्लस 5 एंड यू विल हैव 22.4। सेकेंड रो को ऐड करने से आपके पास आएगा 19.0, थर्ड रो 6.3, 4.7, 4 एंड 5, इन चारों को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट है 20। फोर्थ रो को ऐड करने से 17.2। अब सीजे यानी कि कॉलम जो टोटल्स आए हैं और रो टोटल्स आर आई, इनको आपस में ऐड करें और इनको ऐड करें, यू विल हैव द ग्रैंड टोटल टी डॉट डॉट डॉट, और आप इसको जी से भी शो कर सकते हैं, दैट इज 78.6। अब हमें रिक्वायर है सी जे स्क्वेयर भी। सी जे स्क्वेयर इज एक्चुअली द स्क्वेयर ऑफ दिस टर्म सी जे, यानी फर्स्ट कॉलम जो आपके पास 26.8 आया है, इसका स्क्वेयर सी वन स्क्वेयर आपका बन गया 718.4। 18.2 को स्क्वायर करेंगे 331.24। सिमिलरली फोर्थ के लिए भी आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। अब हमें इसी तरह से रोज के जो टोटल्स हैं उनका भी स्क्वायर करना है। 22.4 को स्क्वायर करेंगे तो आएगा 501.76, 361, 495.84। अब इन स्क्वायर्स को जब हम सम करेंगे, जो हमें अपने सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर है सी जे स्क्वायर, तो सी जे स्क्वायर का सम करेंगे यानी 718.4, 331.24, 262.44, 302.76, इन चारों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1614.68। इसी तरह जो रोज के आपने स्क्वेयर्स किए हैं, रोज टोटल जो आया था 22.4 आपने उसको स्क्वेयर किया एंड यू हैव 501.76। इसी तरह 19 के स्क्वेयर से 361 आया, 20 के स्क्वेयर से 400 एंड 17.2 को स्क्वेयर करने से 295.84। अब इन चारों वैल्यूज को ऐड करेंगे और ये होगा 1558.60। यहाँ पर हम अपने टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स के लिए हमें चाहिए समेशन y i j स्क्वायर और h भी, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी हैं। सो आप चाहे तो रोज को यहाँ पर कर लें या द कॉलम वाइज कर लें, एक ही बात है, क्योंकि हमें हर ट्रीटमेंट का स्क्वायर चाहिए और उन सबको हमने ऐड करना है। तो अगर मैं इधर इसको स्क्वायर कर लूँ, इसको स्क्वायर और इस टर्म को भी स्क्वायर कर लूँ और इन चारों को ऐड करने से जो यहाँ पर आएगा, फिर इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए भी, तो ये तमाम ट्रीटमेंट्स का स्क्वायर होके सम हो रहा है। और अगर इसी तरह से मैं रो में कर लूँ तब भी वो सेम है कि 8 स्क्वायर 5.3 स्क्वायर 4.1 स्क्वायर 5 स्क्वायर वो यहाँ पर लिख लूँ और फिर इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए लिख लूँ और उन सब का सम कर लूँ, तो तब भी वो तमाम ट्रीटमेंट्स का स्क्वायर का सम आ जाए।
और अगर मैं इस तरह कर लूँ तब भी आपके पास स्क्वायर का सामा आ जाएगा, लिहाजा मैं इसको कॉलम में ही शो करने लगी हूँ। 182.42, अब इन सब को सम करने से आएगा 4.11.43। ये बेसिकली किस तरह से आया, 8² + 6.8² + 6.3² + 5.7² और 1 आपके पास आया 182.42। ये जो आपके पास सीजे स्क्वायर और आरआई स्क्वायर हैं, ये इन टोटल्स के जो ये आपने ईच ट्रीटमेंट सम किया है उसके स्क्वायर्स हैं। जो आपने ये फाइंड आउट किया है ये हर ट्रीटमेंट का स्क्वायर है, देन उसको हम ऐड कर रहे हैं। इसका जो टोटल है वो 411 है और ये आपके पास कॉलम का ग्रैंड टोटल है और ये रोज का और ये आपके पास वो जी ग्रैंड टोटल है। अब हम ट्रीटमेंट्स को सेपरेटली देखते हैं। जो पीछे टेबल में डिफाइन थी वो मिक्स था, एक लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन था जिसमें एक रो में या एक कॉलम में ए बी सी डी डिस्ट्रीब्यूट थे। ये अब हमने हर ट्रीटमेंट की सेपरेटली वैल्यूज पिक करके उसको अरेंज किया है और अब हम यहाँ पर ट्रीटमेंट टोटल फाइंड आउट करेंगे। और अब हम इसी तरह से इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, 479.61, 396.01, 313.29, 364.81 और टोटल जो है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। जो आपके पास ट्रीटमेंट्स को सम करने से वैल्यूज आई हैं उनको ऐड अप करने से 78.6 और स्क्वायर्स को ऐड करने से 153.72। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। TSS summation square minus, यहाँ पर मैंने आपको बताया था correction factor, और correction factor हमने किसके equal लिखा था, g square over t square। आपका जो यहाँ पर grand total है 78.6 आया था उसका स्क्वायर कर लें। के क्रॉस के डिज़ाइन यानी 4x4 है इस एग्जांपल के लिए, तो दैट इज 16। तो आपका करेक्शन फैक्टर है 386.1225। और हमने यहाँ पर जो YIJH ईच ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके जो ऐड करने के बाद उन वैल्यूज़ को हमने सम किया तो आपके पास जो आया था दैट वाज 411 और माइनस कर देंगे हम यहाँ पर करेक्शन फैक्टर की वैल्यू दैट इज 386.1225। द रिजल्ट इज 1558.60 और रोज कितनी है 4। करेक्शन फैक्टर की वैल्यू पुट करें, आर एस एस आ जाएगा आपके पास। रो एस एस
यानी रोल सम ऑफ स्क्वेयर, इसकी वैल्यू है 3.5275। अब हमें चाहिए कॉलम सम ऑफ स्क्वेयर्स, समेशन सी जे स्क्वेयर 1614.68 डिवाइडेड बाय, फोर कॉलम्स हैं आपके पास यानी फोर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड द करेक्शन फैक्टर इज 17.5475। अब जो टेस्ट सम ऑफ स्क्वेयर्स है या ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स, दैट इज समेशन टी एच स्क्वेयर ओवर के माइनस करेक्शन फैक्टर। जनरल प्रोसीजर में हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, सो इट वुड बी क्वाइट ईजी फॉर यू कि आप इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और फोर हमारे पास टेस्ट्स हैं ए बी सी एंड डी। अगेन हम करेक्शन फैक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स इज 2.3075। फाइनली एरर सम ऑफ स्क्वेयर्स, एरर सम ऑफ स्क्वेयर्स को आप टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स में से रो सम ऑफ स्क्वेयर को भी सब्ट्रैक्ट कर दें, कॉलम सम ऑफ स्क्वेयर को भी सब्ट्रैक्ट कर दें एंड ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स को भी, तो आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वेयर आ जाएगा, दैट वुड बी 1.4950। अब इन वैल्यूज को अनोवा टेबल में लिखेंगे। अनोवा टेबल फॉर 4x4 लेटिन स्क्वेयर डिजाइन, सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट्स, और यू कैन से कि टेस्ट्स, क्योंकि एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो आपके ट्रीटमेंट्स हैं वो डिफरेंट टेस्ट्स हैं। बिटवीन रोज इज हाइट्स, बिटवीन कॉलम, कॉलम्स आपके डिस्ट्रिक्ट्स को शो कर रहे हैं, विद इन एरर, एंड दिस इज द फाइनल टोटल। फोर टेस्ट्स हैं तो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4-1, न्यू वन जो है वो k-1 होता है, तो ये 4-1, 3। रोज कितनी हैं, 4 हैं, तो 4-1, 3। कॉलम्स के कॉलम्स इस एग्जांपल में 4 कॉलम्स हैं, न्यू 3, 4-1, 3। टोटल आपके पास होता है k²-1, यानी 16 आपके पास है k², k×k 4×4 16, k²-1 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 15 में से आप इन तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को माइनस करें एंड यू हैव 6, यानी 3+3+3, ये आपके पास 9 है। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6, दैट इज न्यू 4। सम ऑफ स्क्वेयर्स हमने कैलकुलेट किए हैं, उनको यहाँ पर पुट कर दें वैल्यूज को। अब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर को उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मीन स्क्वेयर फॉर ट्रीटमेंट्स आ जाएगा और मीन स्क्वेयर फॉर डिफरेंट टेस्ट्स 5.8492। 3.5275 को उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.1758। सिमिलरली कॉलम सम ऑफ स्क्वेयर्स को उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करने से 0.7692 आएगा एंड एरर के लिए
0.2490. This is your s t square, s r square, s c square, s e square. Mean square for error, mean square for districts, mean square for heights, mean square for tests. F1 जो है वो आपके पास mean square for treatments divided by mean square for error, और ये वैल्यू आएगी 23.47. F2 mean square for rows divided by mean square for errors, you will have 4.72. और जो आपका थर्ड टेस्ट स्टेटिस्टिक है कॉलम्स के लिए, मीन स्क्वेयर फॉर कॉलम्स डिवाइडेड बाय मीन स्क्वेयर फॉर एरर, 3.09. फिफ्थ स्टेप इज क्रिटिकल रीजन. रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ आपका फर्स्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक फॉर ट्रीटमेंट्स रिजेक्ट हो जाएगा, उसका नल हाइपोथेसिस अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज कर जाए टेबुलेटेड वैल्यू से, जो कि आप देखेंगे 0.05, और आपकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3 और 6. सिमिलरली सेकेंड टेस्ट स्टेटिस्टिक को भी टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो आपका रोज के लिए है, एंड थर्ड फॉर कॉलम्स. This is the degrees of freedom for treatments and this is the degrees of freedom for error. Similarly, this is for rows and error. This is for districts or columns and this is for error. आपकी calculated value अगर exceed कर जाए tabulated value से, तो उसके corresponding जो आपका null hypothesis है वो reject हो जाएगा. अगर F1 की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो आपका ट्रीटमेंट्स का नल हाइपोथेसिस जो कि एच नॉट है, दैट वुड बी रिजेक्टेड. हाउ यू कैन फाइंड दिस टेबुलेटेड वैल्यू? F के टेबल में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 में चेक करें फर्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 और सेकंड 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, दैट वुड बी 4.76. इसी तरह सेम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3 और 6, इसकी भी वैल्यू 4.76, और थर्ड के लिए भी यही है. और जो आपने कैलकुलेट किया है F1 ट्रीटमेंट्स के लिए, F1 की वैल्यू है 3.09, F2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 4.72, एंड F3 फॉर डिस्ट्रिक्ट That was 23.47. ग्राफिकली इसको इस तरह से शो कर सकते हैं. F डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है 0 to +∞. आपकी टेबुलेटेड वैल्यू 4.76 सपोज यहां पर लाई करती है, ये आपका क्रिटिकल रीजन होगा. क्रिटिकल रीजन को मैं C.R से शो कर रही हूँ, और ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, A.R लिख दिया मैंने. अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपने अनोवा में कैलकुलेट की है वो इस रीजन में लाई करेगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और अगर वो यहाँ कहीं लाई करती है तो वी डू नॉट रिजेक्ट दैट नल हाइपोथेसिस. आप देखें F1 3.09, सपोज वो यहाँ कहीं लाई करेगा आपका F1, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहे हैं. सो आर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन. वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, दैट इज फॉर टेस्ट. सेकेंड वैल्यू F2 4.72, वो भी आपकी यहाँ कहीं एक्सेप्टेंस रीजन में ही लाई करेगी F2. So we do not reject the H not prime, that is for rows, और rows आपकी जो है वो heights हैं उसमें. F3 is 23.47, definitely ये value आपकी यहाँ कहीं लाई करेगी, और ये आपका critical region है. Since the calculated value F3 falls in the critical region,
So we reject the null hypothesis for columns for districts H not double prime. अब कंक्लूजन को आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग उन्हीं वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा. फॉर एग्जाम्पल आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं अपने सिक्स स्टेप में. By comparing the computed values of f with the corresponding critical f, we conclude that the variation among the districts is significant and the variation among the heights is insignificant. Also, there is no difference between the sensitivity of the test. Thank you very much.